आखिरकार आज वह दिन आ ही गया जिसका शहर वासियों को बेसब्री से इंतजार था। मंगलवार से शहर वासियों के लिए अवंती का द्वार खोल दिया गया, जहां आधार कार्ड दिखाकर उन्होंने भगवान महाकाल के दर्शन किए। प्रवेश से पहले सभी श्रद्धालुओं के माथे पर चंदन और कुमकुम का तिलक लगाया गया। इस दौरान महिलाओं में विशेष उत्साह रहा। दरअसल सुबह 10 बजे महापौर मुकेश टटवाले गेट नंबर 1, जिसे अवंतिका द्वार नाम दिया गया है, उसका शुभारंभ किया और आधार कार्ड दिखाकर मंदिर के अंदर पहुंचे। इसके बाद जय महाकाल का उद्घोष कर श्रद्धालुओं ने भी भगवान के दर्शन किए। सिर्फ 15 मिनट में दर्शन कर श्रद्धालु बाहर आ गए, व्यवस्था से बेहद खुश नजर आए। श्रद्धालुओं का कहना था कि उज्जैन में रहते हुए भी बाबा महाकाल के दर्शन करना काफी मुश्किल हो गया था, लेकिन यह सुविधा शुरू होने से अब आसानी से दर्शन कर पाएंगे। मंदिर प्रशासक संदीप सोनी ने बताया कि एक बार आधार कार्ड लाने पर शहर वासियों का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, इसके बाद दोबारा उन्हें आधार कार्ड नहीं लाना होगा। चेहरा स्कैन होते ही उनकी डिटेल सामने आ जाएगी और वे दर्शन के लिए जा सकेंगे। इसके अलावा शहर वासी श्री महाकालेश्वर मंदिर की वेबसाइट पर भी घर बैठे पंजीयन कर सकते हैं। बहुत कम समय लगा हमें, इसके लिए मैं महापौर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि अपने उज्जैन वासियों के लिए इन्होंने बहुत अच्छी सेवा, एक तरह से सेवा का काम किया है और हमें भी यहाँ दर्शन करने का मौका मिला है और बहुत ही सरल सुगम तरीके से हमने यहाँ दर्शन करे। किसे जो है आपको प्रवेश मिला है? हमें प्रवेश नंबर गेट नंबर 1 से हमें प्रवेश मिला है और सीधे कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई भीड़ नहीं, आराम से हमें दर्शन करें। आधार कार्ड दिखाया? हाँ जी, बिल्कुल आधार कार्ड दिखा के। बहुत अच्छा लग रहा है कि हम जैसे वृद्ध लोगों को भी समय मिल रहा है और हम सब लाइन से जाएंगे और डेली मिल जाएंगे। महाकाल के दर्शन करना है, दुर्भाग्य हो गए थे हम लोगों को, क्या आज हमको बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम आज दर्शन कर रहे हैं। और आज से ये दर्शन व्यवस्था प्रारंभ की गई, जिसमें अभी शुरुआती तौर पर कोई भी उज्जैन का नागरिक अपना आधार लेके आएगा, आधार चेक होगा उसका और उसकी फ़ोटो मिलान होगा, उसके बाद गेट से जाने दिया जाएगा। आने वाले दिनों में हम और थोड़ा सा डिजिटलाइज करेंगे, जिसमें कि एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, आप बैठ के रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे और बैठ के नहीं करा पा रहे तो आप जब भी दर्शन के लिए यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर दो काउंटर रहेंगे, उसमें रजिस्ट्रेशन होगा, उसमें आपकी फ़ोटो और आधार को लिंक किया जाएगा और जब अगली बार आप आएंगे तो आधार और आपका जो फ़ोटो है, मतलब आपका जो चेहरा, वो स्कैन होगा। चेहरा स्कैन होने के पश्चात वो वैलिडेट हो जाएगा कि आप उज्जैन के ही नागरिक हैं और आपका जो आधार नंबर दिया था वो उसी से लिंक करता है, फिर दर्शन दिए जाएंगे तो और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, इससे और आसानी से लोग दर्शन करें। बाबा महाकालेश्वर के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से हमारे उज्जैन नगर में निवास करने वाले सारे हमारे उज्जैन वासियों के लिए अवंती का द्वार जो हमारे उज्जैन नगर वासियों के लिए रहेगा, वहाँ से अपना आधार कार्ड बता करके बाबा के दर्शन हम लोग सुगमता से कर सकते हैं। साथ ही हमको आधार कार्ड केवल एक ही बार लाना पड़ेगा और जब आधार कार्ड हमारा स्कैन हो जाएगा तो बार बार आधार कार्ड बताने की भी आवश्यकता नहीं, हम सीधे आकर के दर्शन कर सकते हैं। यह हमारी जो बाबा महाकालेश्वर मंदिर की जो वेबसाइट है उस पर भी अपने आधार कार्ड से अपन घर पर भी पंजीयन कर सकते हैं और उसके माध्यम से भी यहाँ हम सीधे आएंगे तो बाबा के दर्शन होंगे और ये मंदिर का जब पूरा समय रहेगा उस पूरे समय बाबा के दर्शन होंगे और जिस प्रकार से दर्शन की व्यवस्था होगी उसी व्यवस्था में सभी के दर्शन होंगे। जब गर्भगृह चालू होगा तो गर्भगृह से होंगे, जब बाहर से चालू होगा तो बाहर से।